और अपने दूरदर्शन लगाओ, भाव से लगा सकते हो, भाव ही प्रधान होता है जैनियों में, जैन धर्मों में। अब हम आप लोगों का ध्यान कुछ समय के लिए फिक्स कर देना चाहते हैं, आपका ध्यान टूटे नहीं, बहुत अस्थिरता से दूर रह करके स्थिरता में आप अपने आप को नियुक्त कर दीजिए। ऐतिहासिक प्रसंग है, पौराणिक प्रसंग है, पुराना प्रसंग होते हुए भी वह बहुत अद्भुत है, उसका एक भी पार्ट, एक भी भाग, एक भी हिस्सा हमारे समझ में आ जाए, हम तिर जाए। हम तैरने के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई को उदाहरण होता है तो तैरने का उत्साह बढ़ जाता है, कोई साथ हो जाता है तो हमारे हाथ चलने लग जाते हैं। तैरना तो अपने हाथों से होता है, लेकिन फिर भी सामने कोई तैराक होता है तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, यहाँ पर तैरा जा सकता है। लेकिन कैसे तैरते हैं देखो। अब सुदूर तक हरियाली छाई हुई, यहाँ पर कोई सूखापन है ही, यहाँ पर कोई दीवार भी नहीं, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं, यहाँ पर कोई बंधन नहीं, वहाँ पर निर्वाण होकर के सब लोग विचरण कर रहे हैं। लोग वहाँ पर बहुत कम हैं, क्योंकि लोगों को जमघट प्रिय है, नहीं समझे, जमघट प्रिय है, और वह अंत में ही एकांत चाहता है, जिसको मरघट बोलते हैं। नहीं तो यह मानव पारायणी निश्चित रूप से जगमगट में ही रहने का आदि है, नहीं है तो हमें बता दो। कोई भी व्यक्ति एकांत में रहना नहीं चाहता, महाराज महावीर भगवान ने तो अनेकांत की व्यवस्था दी है, इसलिए हम उस व्यवस्था के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने एक भी कहा है, अनेकांत का रहस्य यदि समझना चाहते हो तो एकांत में ही रहस्य समझ में आएगा, कोलाहल में नहीं। समय के बाद आधा घंटा हमने वहाँ पर दे दिया था, ये समझे, क्योंकि रविवार है, रविवार आप लोगों का है, हमारा तो है बिल्कुल। इन तालियों से हमारे कान कभी भी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन फिर आप ही संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी। जिसको दर्शन नहीं हो रहा था वो बहुत आकुलित था, करें क्या, व्यवस्था थी या वो बहुत अच्छा कमरा है, ये इसको कमरा बोलते हैं ना, आप यहाँ पर बैठे हैं वो तो कमरा ही बन गया। हॉल तो इसलिए कहा जाता है कुछ जमघट के पीछे, सब लोग भूले हुए हैं, केवल इनसे दृष्टि है, अब वहाँ पर देखना है। सुदूर तक कोई कोई व्यक्ति नहीं, बहुत विरले ही मनुष्य वहाँ पर देखने में आता है। जहाँ पर मनुष्यों की पर्यावरण दूसरे से दूर हो जाता है वह स्वर्ग हो जाता है, और यदि मान लो स्वर्ग में जमघट हो जाते हो, वहाँ से देवलोग बहुत इधर आना चाहते हैं। और अभी एक कविता में कह दी उन्होंने, एक देवता को आदमी बनना पड़ा, हम तरस रहे थे कब बने और कब हमारी यात्रा पूर्ण हो, और आप कह रहे हैं देवता को बनना पड़ा, वो देवता होगी वो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन का महत्व नहीं समझती होगी, वहाँ प्रतीक्षा होती है, किंतु ये बात अलग है, मनुष्य की लीला अपरंपार होती है। क्या होती है, सुर काया को नरपत तरसे सो दुर्लभ प्राणी, हम इसको इसी प्रकार सोचते रहते हैं, क्योंकि नरकाया को सुरपत तरसे सो दुर्लभ प्राणी, वो उनके लिए हो गई, हम लोगों के लिए क्या है, कब देवता बनूं, कब देवता बनूं, अरे भूदेव होकर के देवता बनने की इच्छा करते हो, रहस्य नहीं समझ में आया। मनुष्य जीवन की दुर्लभता, 84 लाख योनि में पक्षी रखी है, आप लोग जानते हो,
फिर देवता क्यों कहते? सुनो, वही व्यक्ति देवता की मांग करता है तो सप्लीमेंट्री आती है, परीक्षा में फेल होता, ऐसी सुविधा हमें मिल जाए ताकि वहां पर कुछ कर सको। किंतु धरती है, यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, बहुत एकाद व्यक्ति दिखता, लेकिन वह प्रशमान गुणांत मास्ता है, प्रशम भाव के लिए वन की शरण लेकर के वो बैठा, अपनी आत्मा की बात कर रहा है। यह प्रशम भाव सम्यक दर्शन का प्रतीक है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि आदि भाव सम्यक दर्शन के लक्षण, सम्यक दर्शन के चिन्ह के रूप में आचार्यों ने संतों कहा है। वह प्रशम भाव से ओतप्रोत पूरी जगह थी, जिधर देखो हरियाली और वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और त्रियंच जो पशु हैं, चाहे हिंस पशु हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, सरे सरे वहां पर विचरण कर रहे थे। ये उपाश्रम था, वहां पर क्या हो रहा अपने को थोड़ा सा अध्ययन करना है, सोचना। वह इस जीवन में तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन सोचना चाहे तो अभी भी हम सोच सकते हैं उसके बारे में, अनुमान लगाया जा सकता है, अथवा धारणा बना करके हम उसका अनुभव भी कर सकते हैं। अनुमान परोक्ष का होता, अनुभव प्रत्यक्ष में होता, वह अपने हृदय में घटित कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। उसी बीच में दो बालक थे, किशोर अवस्था में थे और युवावस्था की ओर जा रहे हैं, लेकिन बलवीर बहुत थे, एक दूसरे देखने में ऐसे लगते थे एक होंगे, दो काया और एक आत्मा होगी। उल्लस्य थे, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, सिखाई नहीं, सुनाए नहीं किसी ने, तो किसको सुनाए, कौन सुनाए। वातावरण ऐसा था, संन्यास आश्रम जैसा था। उसी बीच में उन दोनों के सामने एक बहुत चंचल, मांगलिक और जाट अश्व आ जाता है, हिंडिनहारा, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, यदि किसी के पास वीर है, बल है, क्षमता है, तो इस घोड़े के ऊपर पकड़ करके बैठ जाए, उसके लिए बहुत पुरस्कृत कर दिया जाएगा, और यदि इसको नहीं करते हैं तो बंदिश करके उसको ले जाना पड़ेगा। अनेक व्यक्ति देख, क्या किसी की हिम्मत नहीं, लिखा हुआ ऐसा कंडीशन के साथ, इन दोनों बालकों ने सोचा हम तो दो हैं और एक पकड़े से, पीछे जाते हैं तो बलात् मार दे, सामने आ जाता तो वह हिंडिनहत, और ऐसे पैर वो जब ऊंचा कर देता था जैसे पहाड़ जैसा लगता, चंचल इतना था। लेकिन वह दोनों बालकों को देख करके कुछ कह रहा था, तुम तो मुझे पकड़ सकते हो, पकड़ना तो पकड़, लेकिन हम भी सीमा में बंधे हुए, किसी को हम ऐसे सीधी सीधी पकड़ने नहीं दी, किसी भी प्रकार से उसको उन्होंने पकड़ा दोनों ने। वो आश्रम में कोलाहल जैसा होने लगा, जो ही पकड़ा त्यों ही उसको ले आने वाले जो थे कोटवार, बड़े बड़े योद्धा, ये तुम क्या करते हो, देखते रहिए, मैं क्या करता हूं, हम क्या करते हैं, देखते रहिए, आपने तो लिखा नहीं, किसी के पास हो तो बताओ। उन्होंने उसके ऊपर बैठ करके और उसके लिए जो गति देना आवश्यक है दे दिया, वो भी
चंचल भागता फिरता, खूब उसको थकाया। फिर इसके उपरांत पकड़ करके उसको उपाश्रम तक ले आए और उसके पीछे दो थे व्यक्ति। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, आज तक इसके पास बोलने की कोई क्षमता नहीं रही। अरे दोनों बालक इसको पकड़ लिया, हमारे राजा अब क्या करेंगे, हमारे राजा अब क्या करेंगे, हमारे राजा नहीं रहेंगे, अब निश्चित रूप से कुछ होगा यहाँ पर, भविष्य क्या है। सभी का कौतूहल और बढ़ गया, लेकिन राजा के प्रति जो आस्था थी, उनके पास रह करके जो प्रशिक्षण मिला था, उसके बारे में सोचते हैं ये बालक ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं हमारे प्रभु को भी पकड़ लेंगे, हमारी गति क्या हो जाएगी। ये देखना कि तो दोनों बालक तो उनको भी पकड़ लेंगे, अब इनको पकड़ लेंगे तो क्या होगा। उसी बीच में उसकी माँ आ जाती, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, ये तो वैसे खेल है, हमें तो सिखाया गया था, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। क्या सिखाया गया था? हमारे लिए धनुर्विद्या सिखाई गई है, कितने दिन तक सीखे? अब ये दिनों की बात है, एक सेकंड में भी सिखाया जा सकता है, सीख सकते हैं, इसके लिए महाविद्यालय की रचना की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो आज के दिन है, जो पढ़ना और लिखना, इस साक्षर बनना, इसके लिए पढ़ाई समझते हैं। ध्यान रखो, जब हमारे संतों ने हमारी विस्मृति तेज हो गई और हमारे लिए कुछ पथ प्रशस्त हो, इसके लिए उन्होंने लेखन कार्य किया है, नहीं तो पहले लेखन की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह भी एक सावर्त्य क्रिया मानी जाती थी। इतिहास पढ़ो, अध्ययन करो, आज लोग कॉलेज के ऊपर कॉलेज, कॉलेज के ऊपर कॉलेज, विद्यालय के ऊपर विद्यालय, विद्यालय के ऊपर विद्यालय, कितने नाम के हो रहे पता नहीं। अभी सुना था DPSC, अब तो वह फेल हो गया। दूसरा और लाओ, तीसरा और लाओ, क्या लाओ? कुछ नहीं, दाम लाओ, बस कीमत बढ़ गई, विद्या का मोल मूल ज़्यादा बढ़ गया। ऐसी विद्या तो हासिल करना ही नहीं चाहिए, जो हमारे जीवन में काम में नहीं आता। सुबह जो हमने आपके सामने पंक्ति रखी थी कि दो तिहाई इंजीनियर ठीक नहीं है, वो उनके पास कुछ नहीं है, वो इसलिए कहा था, महान वैज्ञानिक ने यह कहा था, हमने अपने तरफ से कभी देखा नहीं, कॉलेज में नहीं देखे, इंजीनियर विंजीनियर तो हम कुछ नहीं जानते। ये पक्की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए ऐसा। तब उन्होंने सारे सारे बातें कहे थी माँ के सामने, ये तो सब हमने अजमाए लिया, अब हमारे पास वह विद्या आ चुकी है, अब हमारे बैठने नहीं, ऐसे यहाँ पर नहीं करते, फिर क्या करते हैं, कहाँ जाना है, यही तो करेंगे, इसी आंगन में तो खेले, यहीं पर है, यहीं पर कुछ कर किया जाएगा। नहीं नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसे तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। कौन बंद करता है? वो हम भी माँ के लाडले, कौन बंद कर सकता है? वो हमें बंद करने वाला यहाँ पर प्रभु है, तो हम पहले से उनसे बंधन करते और दूसरे कोई आ नहीं सकता। वह हाथ बीच बीच में किसका है, किसका है? बच्चे ने पूछा, किसका है? अरे इसका नाम मत पूछो, सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं, थोड़ी कथा समझ में आ रहे? बिल्कुल, अरे आपकी बुद्धि तो बहुत थी, किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं, आपको समझ में आने लगा, इसी का नाम तो विद्या है, इसी का नाम तो शिक्षा है, इसी का नाम तो सब कुछ है। ये भीतर से थोड़े से हम समझने की चेष्टा करें तो सब समझ में आ जाता, और नहीं भी समझ में आता तो समझदार बताता है, वो समझते हैं, हम तो हाउ कह देते हैं, हमें ज्यादा नहीं समझना,
वो जैसे कहते हैं उसके अंदर अपने को करना, ये सब विकल्प है। सुजग ज्ञान से बढ़कर के कोई बड़ा नेत्र नहीं है साधु के लिए, लेकिन सुजग ज्ञान का सदुपयोग करे तभी वह नेत्र का काम करता, नहीं तो वह अपने लिए बहुत अभिशाप सिद्ध हो सकता है, अभिमान भी आ सकता है। इसलिए स्वामी समर्थ भद्र ने सर्वप्रथम यही कहा, ज्ञानम पूजा पुनः, ज्ञान को सर्वप्रथम मद का साधन बताया, प्रथम साधन मद का साधन यदि है तो ज्ञान, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और मद पैदा कर देता है, नशा आ जाती है मनुष्य में ही, नशा है और अभी तक हमने है कहीं भी नहीं था कि मनुष्य गति को छोड़ करके ज्ञान का मद ज्यादा होता। आपने कभी सुना ज्ञान का मद? सुना हो तो बताओ ना, घबराओ नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप बहुत सारे पढ़े लिखे हो, इसलिए ज्ञान मद को देखते हैं तो प्रत्येक मानव के जीवन में भेद होता है, अपने आप को समझदार, दूसरे को मझदार, ये इसका नारा है। अरे डूबतों को तिनका भी सहारा है, वो पढ़ा लिखा होता है, नहीं समझे? जो हंस रहे हैं वो भी ऐसे में ही नाम बोले कम करे, नाम आते ही अक्षर आ जाता, ऐसा ही ठीक चले आ गए। ये बहुत कुछ बात होने के उपरांत ये वार्ता वहां पर चली गई और कहा, बहुत दिन के उपरांत आपके इस अश्व को कोई पकड़ने वाला नहीं था, हमने सोचा कि आप सार्वभौम तत्व है, किंतु हमारा नसीब ठीक नहीं, हमारा भाग्य ठीक नहीं, क्या करें? उस